हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो कनाडा आने वाले हैं और जो कनाडा के अंदर हैं। तो मैं आज आपको अपना राज बताने वाला हूँ कि मैं मनी कैसे सेव करता हूँ, मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ जिससे मैं अच्छे से मनी सेव कर पाता हूँ, और आप कैसे आके अपने माइंडसेट को ऐसे कर लोगे कि जब आप पीआर होगे तब तक आपके पास आराम से $10,000-15,000 आपके अकाउंट में होंगे। आराम से $15,000 तो होने ही वाले आपके अकाउंट में। यस, $15,000-20,000 तो अकाउंट में होंगे, ठीक है। तो जो मैं प्रिंसिपल फॉलो करता हूँ, सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है 50-30-20 प्रिंसिपल रूल। तो आप इसे गूगल कर लेना, आपको पता लग जाएगा 50-30-20 प्रिंसिपल रूल होता क्या है। इसमें होता है कि जैसे ही आपका पे चेक आता है, आपकी जो 50% ऑफ द अमाउंट है वो एक्सपेंसेस में जाती है, 30% ऑफ द अमाउंट है जो शॉपिंग में जाती है। वो मैं करता नहीं हूँ शॉपिंग, क्योंकि ब्रांडेड कपड़े पहनने से हम अमीर नहीं बनने वाले, ये ध्यान रखना। ब्रांडेड कपड़े पहनने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो जो हमारे लिए लाइबिलिटी है। और बहुत सारे लोग कहेंगे भाई हमें शौक है, शौक तो माँ बाप के भी हैं, उन्होंने तो अपने शौक पूरे नहीं किए, आपके लिए तो सारी ज़िंदगी लगा दी, तो फिर आप अपने बारे में क्यों सोच रहे हो। अपने माँ बाप के बारे में सोचो पहले, सबसे पहले माँ बाप के सपने पूरे करने की सोचो, फिर बाद में देखना, ठीक है। हमारे माँ बाप भी तो अपने शौक पूरे कर ही सकते थे, उनके पास इतना पैसा था, कहाँ जोड़ जोड़ के लगाए पैसे, हमें बाहर भेजा। ये सिर्फ मैं मिडिल क्लास फैमिली वालों को बोल रहा हूँ, जो अमीर लोग हैं वो तो भाई इस वीडियो को स्किप कर दे, क्योंकि आप लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप चाहे एक दिन में $100 या $200 खर्च दो, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप घर से मंगा सकते हो। लेकिन ये मैं बातें सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली वालों से कर रहा हूँ, जो बहुत बड़े सपने लेके आते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये लेंगे वो लेंगे, ठीक है। जब भी आपका पे चेक आता है तो 50% ऑफ द मनी आपका एक्सपेंस में जाएगा, 30% ऑफ द मनी जो भी आपको शॉपिंग करनी होगी, बाईचांस कुछ खाना होगा तो फिर आप वो सेव कर सकते हो, और 20% ऑफ द मनी आप इन्वेस्ट कर सकते हो वेल सिंपल एप्लीकेशन में। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना नहीं आता, कैसे इन्वेस्ट करते हो, आप मुझे DM करो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। आपके TFS से अकाउंट की लिमिट $6,000 होगी, तो आप एक साल में $6,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैंने TFS में इन्वेस्ट किया है, तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, और मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो आप वो वीडियो देख लेना जिससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी रिगार्डिंग TFS से अकाउंट, TFS से RRSP, ये क्या अकाउंट होते हैं और किस लिए होते हैं। तो देखो मेरा क्या है, मैं ब्रांडेड कपड़े बिल्कुल नहीं खरीदता, ठीक है। मैंने शुरू में खरीदे थे, दो तीन बार खरीदे थे 2 साल पहले जब मैं नया नया स्टूडेंट आया था, क्योंकि हम जो स्टूडेंट हैं उन सब की प्रोग्रामिंग यहीं कर दी जाती है, लोगों को देख के दिखावा करना, हाँ मेरे पास ये चीज़ है वो चीज़ है, ये सारा दिखावा करना। होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे इधर कनाडा में आके न्यू कार ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर EMI का कर्जा चढ़ जाता है। अब ध्यान से मेरी लॉजिकल बात सुनना, फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं कहता हूँ आप जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ सकते हो उतनी ज़्यादा किताबें पढ़ो, क्योंकि वही आपको कामयाब बनाएंगी आगे जाके। अब मैं फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूँ अर्ली 30 की उम्र में। अभी मेरी जो एज है मैं हूँ 22 ईयर्स ओल्ड, मेरा डेट ऑफ बर्थ 1998 है। बट अगर आप किसी पर्सन से पूछोगे ना जिसके पास न्यू कार है, सभी नहीं होते ठीक है, बट मोस्टली 60-70% जो BMW ऐसी कारों में घूमते हैं, इफ़ यू विल आस्क देम कि डू यू हैव $5,000 इन योर अकाउंट, वो कहेंगे भाई $5,000, इतने तो बचते नहीं हैं। हम महंगी गाड़ी क्यों लेते हैं, हम ये चीज़ें क्यों लेते हैं, जो पैसा हमारे पास है नहीं, हम उस पैसे से अपने शौक पूरे कर रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं हम अमीर हैं। क्या यही हम कनाडा करने आए हैं? मैं उन्हें नहीं कह रहा जिन्होंने ले ली है, उनकी अपनी लाइफ है, अपनी मर्जी है ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि वो कमेंट में आके बोले कि तू कैसे बोल सकता है ये वगैरह, तेरे पैसे से थोड़ी ना लिए, अपने लाइफ से ले लो लो ना, मैंने तो कब मना तो नहीं किया, लो ठीक है। बट मेरे कहने का मतलब है शौक अगर पूरे करने ना, अपने पैसों से करो, उधार के पैसों से नहीं। ये जो लोन ले लेते हो $30,000 का, ये उधार के पैसे ठीक है। या तो आप पुरानी कार बाय कर लो, इससे मनी सेव होगी आपकी, क्या फायदा, आप कमा नहीं रहे हो है ना। फाइनेंशियल नॉलेज क्यों जरूरी है,
20 साल से कैनेडियंस काम कर रहे हैं, कितने सालों से, है ना। कोविड आया, किसी के पास अगले महीने के रेंट पे करने के पैसे नहीं थे, एक्सपेंसेस पे करने के पैसे नहीं थे। आप खुद सोच सकते हो कि कितना मुश्किल होता है। बाई चांस आपके घर में इमरजेंसी पड़ जाए कि बेटा मुझे 1-2 लाख रुपए की जरूरत है, आप किससे मांगते फिरोगे, किससे मांगते फिरोगे? इस दुनिया में कोई नहीं आपका, आपके माँ बाप के अलावा, आपकी फैमिली के अलावा, ठीक है। तो उनके बारे में सोचना स्टार्ट कर दो और मैच्योर बन जाओ। ये जो मनी सेविंग मैं बता रहा हूँ, और अपने एक्सपेंस पे भी ध्यान दो, और ये सोचो कि अगर मैं ये चीज खरीद रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए वर्थ है कि नहीं है। प्लीज मेरे आईफोन 12 प्रो मैक्स पे जो मैंने खरीदा उस पर कमेंट मत करना, क्योंकि मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ और मुझे यूट्यूब से अर्निंग होती है। आपका मोबाइल बना के देगा पैसा तो डेफिनेटली खरीदो, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। अपने माँ बाप को दुखी करना कि मम्मी मुझे पैसे चाहिए, ये मुझे ये चीज़ लेनी है, फीस नहीं हो रही है, ऐसी हरकत ना करना। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बाद में जब 1 महीना रह जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स आके कहते हैं भाई पैसे नहीं है मेरे पास, गो फंड में पे हम डाल दें अपना कि $8,000 की ज़रूरत है। पहले कहाँ थे तुम लोग? पहले ये समझ नहीं आया कि फ्यूचर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है? इसलिए मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं क्यों बताता हूँ ये चीज़ें, क्योंकि आपको रियलिटी पता होनी चाहिए आपकी क्या है, ठीक है। सब क्रेडिट पे है, जो चीज़ें आप देखते हो ना सब क्रेडिट पे हो, फोन, मोबाइल फोन हो गया, घर हो गया, कार हो गई, सब उधार पे है, उधार के पैसों पे है, समझ लो। एक बार बारी बारी हर महीने चुकाते रहते हैं, बस उसी पे कहते हैं कि हम भाई अमीर हैं। ऐसे कोई अमीर नहीं होता भाई, उधार के पैसों से कभी ना कोई अमीर हुआ है, ना कभी अमीर होगा, ठीक है। वो तो घर है कि हम नहीं ले सकते, $5-6 लाख एक टाइम में नहीं हो सकता, वो तो हम मानते हैं। लेकिन कार बाई करना, वो भी स्टूडेंट लाइफ में, जब आपको फीस निकालनी है 3rd-4th semester की, थोड़ा वो ध्यान दो। कार कभी भी बाई कर लोगे, ठीक है। जब घर लेने जाओगे तब आपको पूछेंगे कि भाई है आपके पास डाउन पेमेंट $30,000-40,000, फिर कहाँ से लेके आओगे? समझदार बनो, बहुत आगे जाओगे। ये चीज़ें मैं आपसे इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप लोग भी इम्पॉर्टेंट हो, और आप लोगों के मॉम डैड को भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम अपने बच्चे को भेज रहे हैं, कि हमारे बच्चे के लिए बेस्ट डिसीजन क्या होगा। वहाँ पे पहुँच तो गया कनाडा, अब आगे करना क्या है उसको, पढ़ाई के अलावा कौन सी चीज़ें, कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करके वो मनी सेव कर सकता है। तो आज की वीडियो का यही टॉपिक था। मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट लग रहा हूँगा क्योंकि मुझे गुस्सा इसलिए चढ़ता है कि लोग अपने माँ बाप को भूल जाते हैं अपने शौक पूरे करने के लिए, जबकि आपको भी पता है अंदर से आपके मॉम डैड ने कभी भी आपसे कोई चीज़ नहीं मांगी, ना मांगेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है अपने मॉम डैड के सपने पूरे करने का। एक बंदा कहता कि मेरे मॉम डैड तो पैसे मांगते नहीं है। किसके मॉम डैड पैसे मांगेंगे मुझे ये बताओ? ये तुम लोगों की खुद जिम्मेदारी होनी चाहिए कि तुम अपने मॉम डैड को पैसे भेजो, ठीक है। अपने सपने तोड़ के मॉम डैड हमें कनाडा भेजते हैं, और हम कुछ लोग ऐसे काम करते हैं, गाड़ियाँ किश्तों पे गाड़ियाँ लेके घूमते रहते हैं। ये काम रह गया बस लोगों को, कुछ लोगों को काया। और आके कमेंट सेक्शन में ये ना बोलना कि हम अपने पैसे पे खरीदे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अपने पैसों पे खरीद रहे हो। मैं उन लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोगों ने, वो लोगों ने तो अपनी ज़िंदगी तबाह की ही है, बट मैं जितनी जिंदगियाँ बचा सकता हूँ गाइड करके उतनी तो मैं बचाऊँ। आपके सामने मैं कल BMW खरीद लूँ, BMW कार खरीदना यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, मस्टैंग कार खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, सब उधार के पैसों पे होता है, जो कि लोन होते हैं। डाउन पेमेंट करो आराम से $400 per month दो, या गाड़ी का खर्चा $1,000 per month दो, लेकिन वही $1,000 अगर आप सेव करके घर भेज दो कुछ चला जाएगा। समझदार बनो, फाइनेंशियल नॉलेज लो, इससे आपको पता लगेगा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली आगे जाके। आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी तो जो लास्ट में बच गए उन्हें मैं यही कहना चाहता हूँ, भाई मुझे कदर है इसलिए मैं गुस्सा करता हूँ, नहीं तो मैं केयर करता ही ना। अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, 25,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, अब ये तो मेरी ड्यूटी बनती ना आपको रियलिटी दिखाऊं। जो लोग ये कार लेके घूमते उनके मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम होंगी, या तो कुछ नहीं होगा, या तो दिखावा होगा, या तो अंदर से खोखले होंगे। आप खुद सोच सकते हो, एकदम से सपने पूरे बिल्कुल नहीं हो सकते, तो
तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और जो लास्ट में बच गए हैं अगेन मैं उन्हें कहता हूँ यू आर अमेजिंग, और कमेंट में लिखो यस आई एम। ठीक है, चलो अपना ख्याल रखना, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।